सबसे बड़ा सोनालिका हैवी ड्यूटी धमाका रिटर्न। साक्षी ट्रैक्टर वीरेंद्र पूनम पटेल सागर। बनाए अपना घर अपने अनुसार बालाजी हाउसिंग डिपार्टमेंट के साथ शहर में सबसे उचित रेट पर। पता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने बीएमसी रोड सागर मध्य प्रदेश। सागर जिले के खुरई में खाद को लेकर किसान लगातार हंगामा कर रहे हैं। खाद के लिए नई उपज मंडी स्थित डबल लॉक पर टोकन वितरण किए जा रहे थे। वितरण में हो रही परेशानी के कारण गुस्साए किसानों ने जमकर बवाल किया और पथराव कर दिया, जिससे टोकन वितरण कर रहे कई कर्मचारी बाल बाल बच गए, लेकिन खिड़कियों के कांच सहित कई सामग्री की टूट फूट हो गयी। जानकारी मिलते ही एसडीएम मनोज चौरसिया और एसडीओपी सहित भारी पुलिस बल डबल लॉक पहुंच गया। किसानों को समझाइश देकर पर्चियां वितरण फिर से शुरू की गई। किसानों ने बताया कि खाद को लेकर इतनी परेशानी कभी नहीं हुई है, पिछले चार दिनों से भटक रहे हैं, लेकिन न टोकन मिला और न ही खाद मिल रहा है। जिसे टोकन मिल गया उसे खाद नहीं मिल रही है। बताओ, बोलो। चार दिन पहले पर्ची में लगाई थी कचहरी में, चार दिन के भरत भर रहे, आज सुबह चार बजे के लाइन में लगे, पर्ची भी नहीं मिली, टोकन भी नहीं मिल पाया। भूखे प्यास से खड़ी है। सुबह चार बजे के लगे हैं। चार दिन से लगे खाद में, खाद नहीं मिल रहा है, आज तो पर्ची भी नहीं, टोकन भी नहीं मिला हुआ है। दिन भर होगा सुबह से भूखे प्यास से खड़े। कितने दिन हो गए? चार पाँच दिन हो गए। कौन गाँव गया? गणपत के। कर्मचारियों का कहना है कि वे रात दिन काम कर रहे हैं, लेकिन किसानों ने बेवजह हंगामा किया, सभी कर्मचारी बाल बाल बच गए। आपके कार्यालय पर हमला हुआ है, क्या मामला हुआ? मेरे द्वारा आज दोपहर में 2 बजे कृषि विभाग के एसडीओ भारद्वाज जी के द्वारा बताया गया, मुझे सूचना दी गई कि आप अपनी मशीन पीओस मशीन लेके खाद गोदाम आओ, अपना ऑपरेटर साथ लेके, यहाँ एक काउंटर आपके गड़ौ जागी समिति से खुलना है नगद वितरण के लिए। तो मैं मशीन लेके और ऑपरेटर तो नहीं मिला, तो क्योंकि मैं सीएम बैठ गया, एक मेरा साथी सहायक है उसको बैठा लिया। तो हम लोग विधिवत लगभग 30-35 लोग करीब करीब मैंने खाद बांटा नगद में। उसके बाद वो हंगामा हुआ और किसी ने पत्थर मारा सर, तो मैं बाल बाल बच गया, मेरी मशीन ही बच गई, मेरी बाल बाल बच गए। इसके साक्षी आप कांच देख सकते हैं खिड़कियों पर, इसके सामने आपको प्रमाण है। और एक कंडीशन, हम कल से मशीन लेके नहीं आएंगे, हम आपका खाद बटे चाहे नहीं बटे, हमें इससे क्या मतलब। क्या पूरी घटना थी आप? सर, हम लोग सुबह से बैठे हैं, बिल बना रहे हैं हम लोग। आपने पहले 2 काउंटर खुलवाए, फिर 3 कर दिए, ठीक है 3 करवाए। आदमी यहाँ से वहाँ तक टोकन वाले भी खड़े रहे कि आज टोकन मिलेंगे हमें, और जो कल के टोकन वाले थे वो भी यहाँ खड़े रहे। अब आप जो सोचो, आप 3 काउंटर खुलवा रहे हो, ठीक है, कर्मचारी हमारे उतने ही हैं, बोरी वाले उतने ही हैं, गाड़ियों पे गाड़ियाँ आ रही वो भी खाली कर रहे हैं, यहाँ जगह नहीं बच रही है। कम से कम टोकन बांटते हो, ऐसी व्यवस्था करो कि किसान भार आए टोकन वाला। 2-2 बजे रात तक काम कर रहे हैं, उसके बाद भी गालियाँ मिल रही हैं। अभी पत्थरों से हमला हुआ कि आप लोगों का आपस में जो पत्ते कांच फोड़ दिया, जब देखिए आप पूरे कांच फोड़ दिया, वहाँ का कांच फोड़ दिया भाई, पूरे ये पूरा कांच फोड़ दिया। वो तो चश्मा लगाए थे भाई साहब हमारे, और नहीं तो इनकी आँख में लग जाता, चश्मा लगाए हुए थे। जिस गड़ोला समिति के हमारी हेल्प करने को बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये हमारी मदद करने को बैठा है। एक किसान इतनी गंदी गाली दे रहा था, उसकी वीडियो बनी हुई है, उसको इतनी बेकार गाली दी भाई साहब उसने कि सुन नहीं सकते आप, इतने अपशब्द बोला है वो। खुरई से मनोज वाधवानी, सागर टीवी न्यूज। बनाए अपना घर अपने अनुसार बालाजी हाउसिंग डिपार्टमेंट के साथ शहर में सबसे उचित रेट पर। फर्नीचर, मॉड्यूलर किचन, गैलरी, पीवीसी, फाल सीलिंग, टाइल्स, सैनिटरी, स्टील वर्क, एल्यूमिनियम वर्क, नल फिटिंग एवं सभी प्रकार के कार्य किए जाते हैं। पता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने बीएमसी रोड सागर मध्य प्रदेश।
हमारा नंबर है 7470329400।